हेलो एवरीवन, मैं गौरव बोध आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो अपकमिंग एग्जाम जैसे DSSB और दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए ईयर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि वन वर्ड आंसर होते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने नोटबुक और पेन के साथ में क्वेश्चन को नोट करने के लिए, क्योंकि यह है वीडियो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को रून क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो के फर्स्ट स्लाइड से। हाँ, इस कंटेंट है दोस्तों, हम किस किस पर डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन स्टेट ईयर्स इन इंडिया, कि जो स्टेट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन थे इंडिया में उनके ईयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइब्रेरी नेटवर्क के ईयर्स और हेडक्वार्टर पर डिस्कशन करेंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन पर, लाइब्रेरी कमेटी ईयर और उनके चेयरमैन, लाइब्रेरी कमीशन ईयर और उनके चेयरमैन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ईयर और डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन थी उसकी उन पर, या फिर वो किस प्लेस या किस संस्था से बिलोंग करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, उनके ईयर विद उनको किसने डेवलप किया था, उनके ऑथर कौन थे उनको बताऊंगा। लाइब्रेरी बिब्लियोमेट्रिक लॉज, रिसर्च लॉज में, रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में जो हैं वो वाले, और लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन स्टेट ईयर इन इंडिया। नोट कीजिएगा दोस्तों, तमिलनाडु जो मद्रास लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट के लिए है 1948। सेकंड है आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, केरला 1989, हरियाणा 1989, मिजोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात। गुजरात में दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो 2002 और 2000 में कहाँ से लिया गया है, वो डिपेंड करता है कि अगर हम वेस्ट बंगाल की उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ 2002 दिया गया है, विकिपीडिया वगैरह से अगर सर्च करते हैं तो वहाँ 2000 दिया गया है। उड़ीसा में भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन आप 2002 और 2002 को मोस्टली याद रखिएगा। राजस्थान 2005, उत्तर प्रदेश 2005, उत्तराखंड 2005, पौंडीचेरी 2007 और 2008, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2009, अरुणाचल प्रदेश 2009, लक्षद्वीप 2014। अब दोस्तों, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, इसमें सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हुआ था अगर मंथली हिसाब से देखें तो, लेकिन थोड़ा उसमें लगे हुए हैं सीरियल में तो राजस्थान पहले आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। लाइब्रेरी नेटवर्क्स ईयर उसके हेडक्वार्टर जो हैं कहाँ से हैं, पहले है दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो डब्लिन ओहियो यूनाइटेड स्टेट में है, और इसका जो इस्टेब्लिश ईयर था वो 1967 है। सेकेंड है रिसर्च लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन नेटवर्क आर्लिन, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है, वो 1974 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। थर्ड है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एग्रीनेट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका में है, ईयर जो है इसका 1982 है। फोर्थ है जॉइंट एकेडमी नेटवर्क, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, जैनेट इसको बोलते हैं, ये हार्वेल यूके में है और 1984 में इसको डेवलप किया गया था। निकनेट जो इंडिया की नेटवर्क है, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1985 में ये डेवलप हुआ है। इसके बाद एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इसको और नेट के नाम से जानते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 1986 में ये डेवलप किया गया था। इंदौर लाइब्रेरी नेटवर्क इंडोनेट, ये भी इंडियन नेटवर्क है, ये इंदौर MP में है और 1986 में इसका डेवलपमेंट हुआ है।
एट है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 1988 में इसका डेवलपमेंट हुआ है। इन्फ्लिपनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में नहीं है, गांधीनगर गुजरात में है, ये नोट कीजिएगा। और 1991 में ये डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है 10th है मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क मालिब नेट, इसका हेडक्वार्टर मद्रास में है और 1991 में ये आया था। बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क बोनेट, इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर 1992 में आया है। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क कैलिबनेट, इसका जो हेडक्वार्टर कोलकाता है 1992 में आया है। पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क प्रोजेक्ट, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट, ये पुणे महाराष्ट्र में है और 1992 में ये डेवलप किया गया। अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क एडीनेट, गुजरात में 1994 इसका आंसर होगा। मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क माइलिब नेट, मैसूर में है, 1994 में इसका डेवलपमेंट हुआ है नेटवर्क का। मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क माइलिब नेट है, ये अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, ये मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जो होती हैं कॉमर्स से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड उन पर वर्क करती है। 1998 में ये डेवलप की गई। UGC इन्फोनेट, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है और 2002 में इसको डेवलप किया गया था। ये है हेलीनेट हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और 2003 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, ये है लाइब्रेरी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं। तो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FIT, इसके बारे में आपने दोस्तों काफ़ी सुना भी होगा और उस पर बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है और ये 1895 में ये स्टार्ट की गई थी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, और इसका जो डिजोल्व हुआ है ये ख़त्म कर दी गई है, अस्तित्व में नहीं है अभी, जो 2002 में इसको डिजोल्व कर दिया गया था। नेक्स्ट स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन SLA, इसका जो हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में है, 1909 में ये अस्तित्व में आई थी। थर्ड है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस IFLA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट जरूर कीजिए, इसका भी हेडक्वार्टर हैग में है और 1927 में ये अस्तित्व में आया है। फोर्थ है कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमैका में है और 1972 में ये अस्तित्व में आया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिफ्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स AIIP, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉस एंजलिस में है और इसका जो एसोसिएशन का इस्टेब्लिश ईयर है 1987 है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, इतना कुछ वो भी नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिकागो में और 1876 में ये अस्तित्व में आई थी। लाइब्रेरी एसोसिएशन LA, ठीक है दोस्तों, अब ये स्लिप के साथ मर्ज हो गई 2002 में, इसका जो हेडक्वार्टर है LA का UK में है और 1877 में ये अस्तित्व में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। एट है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है SLIP की, आप इसको जरूर इसकी जो फुल फॉर्म है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। SLIP की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंग्लैंड में है और 1924 में ये अस्तित्व में आया है। नाइन्थ है ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 1933 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा। ये है CLA कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैमिल्टन कनाडा में है और 1946 में अस्तित्व में आई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स IASLIC,
तो जो ये इसका हेड क्वार्टर है कोलकाता में है, 1955 में अस्तित्व में आई है। अटलांटिक प्रोविंस लाइब्रेरी एसोसिएशन APLA हेड क्वार्टर कनाडा में है। 1957 पब्लिश इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यह है यह है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका जो हेड क्वार्टर वो पंजाब में है, और 1869 में इसको डेवलप किया गया था। यह है सीलिप, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इसका हेड क्वार्टर है लंदन में, और 2002 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। दोस्तों FID, SLA, IFLA, COMLA, AIIP, ये जो एसोसिएशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। और जो ये हमारी ALA, LA, SLIP, ILA, CLA, इटालिस, APLA, सीलिप, ये सभी जो हैं एक नेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। आप इन पे भी थोड़ा वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। लाइब्रेरी कमेटीज, ये काफ़ी पूछा जाता है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। लाइब्रेरी कमेटी में पहला जो है ये है लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। इसको 5G कमेटी फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो AAA 5G हैं। इस कमेटी का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 1939 में हुआ था, और इसका जो सबमिशन हुआ है 1940 में सबमिशन हुआ है इसका। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कमेटी, इसे सेंक्शनल कमेटी भी कहते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने इसको, इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर रंगनाथन थे, और इसका अपॉइंटमेंट जो था 1947 में हुआ था। ये कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इसका कोई सबमिशन डेट भी या ईयर नहीं है। थर्ड है एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज, इसके जो चेयरमैन थे KP सिन्हा थे। 1957 में इसको अपॉइंटमेंट किया गया था, और सबमिशन जो है इसका 1958 में हुआ है। लाइब्रेरी कमेटी, इसके जो चेयरमैन हैं वो CD देशमुख थे, और अपॉइंटमेंट जो लाइब्रेरी कमेटी का इसका हुआ था वो 1957 में हुआ था, और सबमिशन हुआ था 1959 में। कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लाइब्रेरीज, इसके भी चेयरमैन डॉक्टर रंगनाथन थे। 1957 में इसको अपॉइंट किया गया, अपॉइंटमेंट हुआ था, और सबमिशन हुआ 1959 में। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, चेयरमैन डॉक्टर रंगनाथन, अपॉइंटमेंट 1961, सबमिशन 1965। पैरी कमेटी ब्रिटेन, काफ़ी पूछा जाता है पब्लिक लाइब्रेरीज के उसके लिए कि किस पे बेस है, कहाँ इसका हेड क्वार्टर है, इसके चेयरमैन कौन है, कितने प्रकार के इस कमेटी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम लोगों ने भी अटेम्प्ट किए थे। तो पैरी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थॉमस पैरी थे। इसका जो अपॉइंटमेंट ईयर था वो 1963 था, और सबमिशन ईयर 1967। ये था बॉम्बे एंड सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसको एशियाटिक सोसाइटी की ओर से भी रजिस्टर किया गया था। इसके जो चेयरमैन निहार रंजन राय, अपॉइंटमेंट हुआ था 1976 में, सबमिशन हुआ है 1976 में ही। नाइन्थ है चट्टोपाध्याय कमेटी, कॉन पॉलिस, इसकी फुल फॉर्म है कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके जो चेयरमैन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कीजिएगा। इसके जो चेयरमैन है DP चट्टोपाध्याय हैं। अपॉइंटमेंट हुआ है 1985 में, और सबमिशन हुआ है 1986 में। यह है 10th है एम्पावरमेंट कमेटी, इसके भी अध्यक्ष वो जो थे चेयरमैन थे वो DP चट्टोपाध्याय थे। 1986 में अपॉइंट किया गया था, और 1988 में सबमिशन लिया गया था। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी स्टाफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइब्रेरी स्टाफ के ऊपर जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसके भी चेयरमैन थे वो DP चट्टोपाध्याय थे। 1989 में अपॉइंटमेंट किया गया था, और 1989 में ही सबमिट किया गया था। नेक्स्ट कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके जो चेयरमैन हैं पृथ्वीनाथ कोला। 1990 में अपॉइंटमेंट किया गया था, 1993 में इसका सबमिशन हुआ है। दोस्तों ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो अपॉइंटमेंट ईयर पूछा जाता है, सबमिशन ईयर मोस्टली कहीं पर पूछा जाता है, इसलिए मैंने मेंशन किया है। लेकिन जो मोस्टली आंसर होता है पूछा जाता है आंसर के लिए, वो अपॉइंटमेंट ईयर ही पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा फोकस अपॉइंटमेंट ईयर पर ही करें। 13 है एक्सपर्ट कमेटी
ऑन कॉलेज लाइब्रेरीज चेयरमैन रहे हैं वीपी जॉय। अपॉइंटमेंट जो ईयर रहा है इसका 1993 और सबमिशन ईयर रहा है 1994। 14 है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी CDC, CR कृषिदप्पा इसके चेयरमैन थे और अपॉइंटमेंट जो इसका हुआ था 2001 में हुआ था और 2001 में ही इसका सबमिशन भी हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं लाइब्रेरी कमीशन की। लाइब्रेरी कमीशंस दोस्तों अब बात करते हैं लाइब्रेरी कमीशंस की। जो पहला लाइब्रेरी कमीशन है वो इंडियन एजुकेशनल कमीशन है, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। इसका जो कमीशन का अपॉइंटमेंट ईयर था वो 1882 था और सबमिशन ईयर भी इसका 1882 था। नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस रैली। अपॉइंटमेंट ईयर है 1902, सबमिशन ईयर है 1902। नेक्स्ट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको हम सैडलर कमीशन के नाम से ज़्यादा सुनते हैं, तो अगर कहीं आए सैडलर कमीशन तो इस M.E. सैडलर। और अपॉइंटमेंट ईयर है 1917, सबमिशन ईयर है 1919। फोर्थ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसे राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और उसके जो चेयरमैन थे उनके नाम से ही इसको कमीशन का नाम दिया गया था। और चेयरमैन है S. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और 1948 में इसको अपॉइंटमेंट किया गया था और 1949 में सबमिशन लिया गया था। फिफ्थ है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे मुदालय कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चेयरमैन जो हैं इसके A.L. मुदालयर हैं। अपॉइंटमेंट हुआ 1952 में, सबमिशन हुआ है 1953 में। सिक्स्थ है एजुकेशन कमीशन, इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो DS कोठारी थे चेयरमैन थे, 1964 में इस कमीशन को स्टार्ट किया गया था और 1966 में इसका सबमिशन लिया गया था। ये नेशनल नॉलेज कमीशन, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके जो चेयरमैन हैं वो SG पिटोरदा हैं 2005 में इसको अपॉइंट किया गया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2005 में कौन सा कमीशन आया था या नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन कब अपॉइंट किया गया था। और इसका जो सबमिशन डेट है वो है 2006। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो इसका जो पहला है ये है लिप्सिस, ये 1984 में आया था। डेवलपर जो थे इसके इन्फोटेक थे। CDS IS, ये 1985 में आया था, यूनेस्को के द्वारा डेवलप किया गया था। स्लिम 1988 में। एल्गोरिथम्स CO पुणे से इसको डेवलप किया गया था। डैलम्स ये डेसीडॉक के द्वारा डेवलप किया गया था 1988 में, ये काफ़ी बार पूछा गया है। डैलम्स के फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका पब्लिश ईयर पूछा गया और डेवलपर पूछा गया है। फिफ्थ है संजय, इसको 1992 में डेवलप किया गया था और इसके जो डेवलपर थे वो डेसीडॉक के द्वारा किया गया था। ग्रीनस्टोन 1997 में इसका जो डेवलपमेंट किया गया है और इसके जो डेवलपर हैं वो न्यूजीलैंड डेटा लाइब्रेरीज है वेकाटो से। यह है फेडोरा, 1997 का इसका ईयर रहा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया USA से इसका डेवलपमेंट हुआ है। एट्थ है दोस्तों विनाइसिस, इसका जो डेवलपमेंट ईयर है वो 1998 है। इसको जो डेवलप किया गया है विप्रो इंडिया बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें है 9th ईप्रिंट्स 2000 में हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK के द्वारा डेवलप किया गया है। सोल 2000 में किया गया है इन्फिनिट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कोहा 2000 में आया है, ये काफ़ी इसका डेवलपर के बारे में पूछा जाता है। कटिपे कम्युनिकेशन लिमिटेड वेलिंगटन न्यूजीलैंड से, इसके ई कंट्री के बारे में पूछा जाता है। कोहा के ओपन सोर्स है, कब आया था, ये सब चीज़ें कोहा पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ई ग्रंथालय, ये 2003 में आया था और निक बेंगलुरु के द्वारा ये डेवलप किया गया है। डी स्पेस 2002 में आया है, ये MIT एंड HP लैब्स USA के द्वारा
डेवलप किया गया है, ओपन बिब्लियो 2002 में आया है, डेव स्टीवेंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। न्यू जेन लिप 2005 में आया है और KIIKM ये हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे दोस्तों। क्लासिफिकेशंस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वन वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी। हाँ, पहली जो है यह है बैकन स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। इसका जो डेवलपर थे फ्रांसिस बैकन थे और इसका जो डेवलपिंग या इस्टेब्लिशिंग जो ईयर बोलेंगे क्लासिफिकेशन का वो 1605 है, 1605 में ये डेवलप किया गया था फ्रांसिस बैकन के द्वारा। सेकंड है हैरिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, विलियम ट्रॉय हैरिस के द्वारा डेवलप की गई थी, दी गई थी, और इसका जो ईयर रहा है वो 1870 रहा है। थर्ड है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों डीडीसी के ऊपर भी। इसके जो डेवलपर है मेलविल डीवी, इसके जो पब्लिश ईयर है वो 1876 है। फोर्थ है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके जो डेवलपर हैं वो सी ए कटर हैं, जिनका पूरा नाम चार्ल्स एमी कटर है, और 1886 में इसको डेवलप किया गया था। फिफ्थ है ब्राउन क्लासिफिकेशन, जे डी ब्राउन इसके डेवलपर रहे हैं और इसका जो ईयर है वो 1898 रहा है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों तो पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉब फाउंटेन का नाम हमेशा सबकी जबान पर रहता है, तो 1905 में इसका जो पब्लिश ईयर रहा है दोस्तों। ये सीरियल में लगाने की कोशिश की गई है, तो बहुत बार क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है कि क्लासिफिकेशन को सीरियल्स में लगाइए, तो आपको विद सीरियल याद होनी चाहिए कम से कम डीडीसी से लेके उसके बाद से, तो कम से कम होनी चाहिए आप लोगों को ये सीरियल में याद। सेवन्थ जो है LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये जेम्स हैंसन ने दी थी 1904 में। एट्थ है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये भी जे डी ब्राउन ने दिया था और ये 1906 में दिया था। CC कोलन क्लासिफिकेशन ये डॉक्टर रंगनाथन सर ने दिया था 1933 में, इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था। 10th है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये H.E. बिलिस 1935 में उनके द्वारा दी गई थी। 11th है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इसके जो वो हैं A.F. राइडर, आर्थर फ्रीमाउंट माउंट राइडर इसके डेवलपर रहे हैं और इसका जो पब्लिश ईयर रहा है 1961 रहा है। और बात करेंगे दोस्तों लाइब्रेरी बिब्लोमेट्रिक्स लॉ के बारे में, ये भी एक दो बार क्वेश्चन के ऊपर भी बनाया गया है जैसे कि लॉट का और जिप्स के ऊपर, तो मैंने इसमें तीन लॉ मेंशन किए हैं दोस्तों। जो फर्स्ट है वो है लॉट का लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑथर्स और प्रोडक्शन, इसके जो डेवलपर रहे हैं वो है अल्फ्रेड जेम्स लॉट का, और इसका जो ईयर रहा है 1926, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी लास्ट ईयर भी एक एग्जाम में पूछा गया था। लॉट का के लॉ का जो पब्लिशिंग ईयर था वो 1926 है। नेक्स्ट लॉ ऑफ स्केटरिंग, इसके जो डेवलप रहे हैं सैमुअल क्लेमेंट ब्रैडफोर्ड, और इसका जो पब्लिशिंग ईयर रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम का 1934 रहा है दोस्तों। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिप्स लॉ ऑफ वर्ड फ्रिक्वेंसी, इनके नाम में से भी इनको वो इनके डेवलपर का नाम पता लग जाता है जॉर्ज किंग्सली जिप, और इसका जो पब्लिशिंग ईयर रहा है 1935 रहा है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स की बात करते हैं दोस्तों। जो CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, ये लाइब्रेरी प्रोग्राम्स भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इनको भी आप एक इम्पोर्टेंट वे में ही रिमेम्बर कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ईयर बेस वाले। खासकर मैंने सभी को इसमें मेंशन किया है, आप देख लीजिए।
फर्स्ट है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIPLC के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, इनिशिएटेड किया गया था 1971 में। सेकंड है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनके शॉर्ट फॉर्म से हम ज़्यादातर इसको याद रखते हैं, जैसे CIP, यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट को जो दिया था यूनेस्को, एंड ICSU के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1971 में ही। UBC, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये इफ्ला के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1974 में, लेकिन इसको क्लोज कर दिया गया है 2003 में, क्लोज कर दिया गया 2003 में, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये अभी वर्किंग में नहीं है। नेक्स्ट है UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये भी इफ्ला के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम था, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP, ये भी इफ्ला के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम था 1979 में, इसको स्टार्ट किया गया था और ये भी क्लोज हो गया 2003 में। फिफ्थ है एक्शन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरी प्रोग्राम ALP, ये भी इफ्ला के द्वारा दिया गया है 1984 में, ये इसका भी ईयर नोट कर लीजिए। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सिक्स जो टॉपिक है, लॉट्स ऑफ कॉफीज की बिस्ट ऑफ सेव लोकस स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी और 1988, 4 से 5 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक पे बन जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसका स्टार्टेड किस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था, तो उसका नाम पूछ लिया जाता है, किस पब्लिश ईयर में पब्लिश हुआ है ये पूछ लिया जाता है, स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स IFAF, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है 2000 में दिया गया है। नेक्स्ट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन BSLA, ये भी इफ्ला के द्वारा 2010 में दिया गया है। दोस्तों सोर्स लिंक जो रहे हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं, विकिपीडिया से भी लिए गए हैं कुछ एक दो, lastudy.com से लिए गए हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल से लिए गए हैं, और यूथ ग्रोथ एक वेबसाइट है वहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कुछ लिंक दिए हैं जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप फॉर एलआई स्टडी मटेरियल, टेलीग्राम फॉर डेली क्विज एंड अदर इंफॉर्मेशन, और साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप से भी आप हो सकते हैं, ज्वाइन हो कर सकते हैं इसमें। इसमें भी आपको हम जॉब्स और अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ ना जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।